दोस्तों, जब लोग आपको कॉपी करने लगे तब समझ जाइए आप सक्सेसफुल हो गए हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह बिस्लेरी सफल हो चुकी है। आज अगर आप बिस्लेरी की बॉटल खरीदने जाते हैं तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती है, क्योंकि आपके हाथ में पड़ने वाली बोतल बिस्लेरी की जगह कई अजीबोगरीब नाम वाले लेकिन बिस्लेरी जैसी बोतल ही मिल जाती है। बेल्सरी, बिल्सेरी, ब्रिस्लेई और या फिर बिस्लार। इसीलिए आज हम इसी बिस्लेरी की बात करने जा रहे हैं जिसने इंडिया में लोगों को पानी खरीद कर पीने वाली आदत लगवाई, और वो भी ऐसे कि आज पानी की प्योरनेस का दूसरा नाम बिस्लेरी ही होता है। आज हम आपको बताएंगे कैसे बिस्लेरी ने भारतीय बाजार को एक तरह से अपने कब्जे में ले रखा है। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। बिस्लेरी की कहानी शुरू होती है मुंबई से, वही मुंबई जिसे आज भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं। लेकिन मुंबई के ठाणे से शुरू हुआ बिस्लेरी वाटर प्लांट भले ही देसी हो लेकिन बिस्लेरी नाम और कंपनी पूरी तरह से विदेशी थी। और तो और ये कंपनी पानी बेचती भी नहीं थी, ये बेचती थी मलेरिया की दवा। और इस मलेरिया की दवा बेचने वाली बिस्लेरी कंपनी के फाउंडर थे एक इटालियन बिजनेसमैन जिनका नाम था फेलाइस बिस्लेरी। फेलाइस बिस्लेरी के फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर रोजिज। रोजिज पेशे से तो डॉक्टर थे लेकिन दिमाग उनका पूरा बिजनेसमैन वाला था। कुछ अलग करने की सनक उनमें शुरू से थी। ये साल 1921 था जब बिस्लेरी के मालिक फेलाइस बिस्लेरी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके पीछे छूट गई बिस्लेरी कंपनी को नए मालिक के रूप में मिले डॉक्टर रोजिज। रोजिज के बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे जो भारत के पारसी परिवार से थे, जो पेशे से वकील और बिस्लेरी कंपनी के लीगल एडवाइजर भी थे। उसका एक बेटा था खुशरू संतुक। खुशरू अपने पिता की तरह ही वकालत करना चाहते थे, इसलिए तो उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ की पढ़ाई पूरी की। लेकिन उन्हें क्या पता था उनके पिता के दोस्त का एक आइडिया उनकी जिंदगी बदल देगा। भारत अभी अभी आजाद हुआ था और देश में नए किस्म के व्यापार की डिमांड बढ़ रही थी। रोजिज के व्यापारी दिमाग ने इस बीच एक बिजनेस आइडिया खोज निकाला। उन्होंने सोचा पानी का बिजनेस आने वाले दिनों में काफी सफल हो सकता है। हालांकि औरों के लिए सोच ठीक वैसी थी जैसे आज के समय में कोई कहे उसे ताजी हवा को पैकेट में बंद करके बेचना है। इसके बावजूद रोजिज ने इस बिजनेस में वो देखा जो किसी को नहीं दिख रहा था। उन्होंने अपने इस बिजनेस आइडिया पर खुशरू संतुक को मनाकर उनका समर्थन ले लिया। रोजिज के आइडिया को जमीन नसीब हुई 1965 में। यही वो साल था जब खुशरू संतुक ने मुंबई के ठाणे इलाके में पहला बिस्लेरी वाटर प्लांट लगाया था। हालांकि खुशरू को उनके इस फैसले के लिए लोगों ने पागल तक घोषित कर दिया था। आम लोगों के नजरिए से देखा जाए तो उन दिनों भारत जैसे देश में पानी बेचने का आइडिया किसी पागलपन से कम नहीं था। हाल ही में आजाद होकर बंट चुके इस देश की आधी से ज्यादा जनता अपनी दो वक्त की रोटी के जुगाड़ में जुटी रहती है। ऐसे में भला उन दिनों कोई एक रुपए में पानी की बोतल खरीद कर क्यों पीता। आज बिस्लेरी की वाटर बोतल 20 रुपए में आराम से बिकती है, लेकिन तब इसकी 1 रुपए की कीमत भी बहुत ज्यादा थी। ऐसे में लोग खुशरू को पागल ही कह सकते थे, लेकिन डॉक्टर रोजिज ने बहुत दूर की सोची थी। दरअसल उन दिनों मुंबई में पीने के पानी की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब थी। गरीब और आम आदमी तो किसी तरह इस पानी को पचा लेता था, लेकिन अमीरों के लिए ऐसा पानी पचा पाना बड़ा मुश्किल हो गया था। ऐसे में अमीर लोगों के लिए ये पानी किसी अमृत से कम नहीं था। यही वजह थी कि बिस्लेरी के मालिक डॉक्टर रोजिज बिस्लेरी वाटर बिजनेस की सफलता को लेकर पूरी तरह निश्चिंत थे। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि ये पानी अमीरों तक कैसे पहुंचेगा ये बात अभी तय नहीं थी। लेकिन अब शुरुआत हुई और बिस्लेरी वाटर और बिस्लेरी सोडा के साथ बिस्लेरी कंपनी ने इंडियन मार्केट में कदम रखा। शुरुआती दिनों में बिस्लेरी के दोनों प्रोडक्ट केवल अमीरों की पहुंच पर ही सीमित थे और 5-स्टार होटल्स और महंगे रेस्टोरेंट में मिलते थे, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया था कि अमीर लोगों को यहीं से इस बिस्लेरी की आदत लगवा सकते हैं। लेकिन कंपनी ये भी जानती थी कि अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ एक क्लास के लोगों तक सीमित रख के सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए कंपनी ने धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। आम लोगों की पहुंच तक आने के बाद भी ज्यादातर लोग इस कंपनी का सोडा खरीदना ही पसंद करते थे। यही वजह रही खुशरू संतुक को पानी का बिजनेस कुछ खास नहीं जमा, इसलिए अब वो इस ब्रांड को बेचने का मन बनाने लगे, यानी कि वो अब पानी का कारोबार बंद करना चाहते थे। खुशरू संतुक की बिस्लेरी कंपनी बेचे जाने की खबर इंडियन बिजनेस वर्ल्ड में जंगल की आग की तरह फैल गई,
और इसी तरह खबर पहुंची कंपनी के कर्ता धर्ता चौहान ब्रदर्स के पास। वहीं पार्ले बिस्किट जिसमें जी होता है, बस फिर क्या था, बिस्लेरी वाटर प्लांट की शुरुआत के केवल 4 साल बाद यानी 1969 में बिस्लेरी को रमेश चौहान ने 4 लाख रुपए में खरीद लिया। इसके बाद देश भर में अपने 5 स्टोर के साथ बिस्लेरी पार्ले की हो गई शुरुआत। ये 1970 का दशक था जब रमेश चौहान ने बिस्लेरी सील्ड वाटर के 2 ब्रांड नए ब्रांड बबली और स्टिल के साथ बिस्लेरी सोडा को मार्केट में उतारा। पार्ले की रिसर्च टीम लगातार इस खोज में लगी थी कि आखिर कैसे बिस्लेरी को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। कोई भी प्रोडक्ट लोगों की पसंद में सफल नहीं होता, बल्कि इससे सफलता मिलती है लोगों की जरूरत से। और ये बात जब पार्ले कंपनी को समझ आई, क्योंकि उसने पहले भी इंडियन मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को जरूरी बनाया था, इसलिए पार्ले की रिसर्च टीम ने भी लोगों की ऐसी ही एक जरूरत को खोज निकाला। उन्होंने पाया देश भर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सड़क किनारे ढाबे जैसे कई और पब्लिक प्लेसेस पर पीने के पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इस वजह से लोग मजबूरी में प्लेन सोडा खरीद कर पीते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्ले ने लोगों तक साफ पानी पहुंचाने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ा दी। प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए पार्ले ने ब्रांड प्रमोशन का सहारा लिया और पैकेजिंग में कई तरह के बदलाव किए। इतना कुछ करने के बाद बिस्लेरी वाटर मार्केट में अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा बिस्लेरी को अगर किसी ने फायदा दिलवाया तो वो था 1985 के दौरान PET यानी प्लास्टिक मटेरियल, जिसने इस बिस्लेरी को पूरी तरह से बदल डाला। क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल हल्का, मजबूत और रिसाइकिल किया जा सकने वाला ऐसा पैकेजिंग मटेरियल था जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता था। इसी कारण बिस्लेरी की सबसे बड़ी चुनौती यानी पैकेजिंग की समस्या हल हो गई और उसी से उसके दाम भी कम हुए, जिसके साथ ही अंत में पीटी कंटेनरों की क्वालिटी बढ़ाई गई, जिससे बिस्लेरी को लगातार फायदा होता गया। जिस आइडिया को कभी पागलपन कहा गया था, इस आइडिया से बिस्लेरी ने भारत की सील्ड वाटर बॉटल इंडस्ट्री पर 60% हिस्सेदारी पा ली है। अपने 135 प्लांट्स के दम पर बिस्लेरी रोजाना 2 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी बेचने वाली कंपनी बन गई है। बिस्लेरी अपने प्रोडक्ट को 5,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रकों और 3,500 डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए 3.5 लाख रिटेल आउटलेट्स तक पहुंचा रही है। 2019 में भारत में बिस्लेरी की मार्केट वैल्यू $24 बिलियन थी। माना जा रहा है कि 2023 तक इसकी मार्केट वैल्यू $60 बिलियन होगी। इस समय बिस्लेरी का रेवेन्यू 2000 करोड़ से भी ज्यादा है और कंपनी ने 2022 तक ये आंकड़ा 5,000 तक लाने का टारगेट रखा है। तो दोस्तों, ये थी बिस्लेरी की पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।